हेलो, जावा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम दो क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक जार फाइल के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और उसके स्टेप्स लिखने कैसे क्रिएट करते हैं। जार फाइल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहले बेनिफिट तो क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, देन कंप्रेशन ऑफ ऑल द फाइल्स एंड रिसोर्सेज देता है, पोर्टेबिलिटी है कि आप एक ही सिंपल आर्काइव फाइल को कहीं से भी इधर से उधर आप सिंपली मूव कर सकते हो, मेल कर सकते हो और आपका पूरा जावा का एप्लीकेशन दूसरे सिस्टम पर रन कर जाएगा, एंड रिड्यूस डाउनलोड टाइम। क्यों? क्योंकि जो फाइल्स हैं उसका जो साइज़ है वो कंप्रेस हो गया है तो कम होगा। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जार फाइल के। नाउ लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ जार फाइल। बहुत सिंपल सी एक कमांड है जो आपको लिखनी है। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसको आप कंपाइल करोगे। लेट अस से मैंने लिखा क्लास ए, इसे मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। देन आफ्टर कंपाइलेशन इसकी क्या बनेगी, एक डॉट क्लास फाइल बनेगी। और जावा में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, डॉट क्लास फाइल्स ही एग्जीक्यूटेबल होती हैं। सो आफ्टर कंपाइलेशन इसकी डॉट क्लास क्या बन गई, ए डॉट क्लास। पहला स्टेप तो यही था कि क्लास फाइल जनरेट करना किसी भी जावा की फाइल के। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेट अस से ये वाला जो फाइल था ये सी डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से सी डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा और उसके बाद आपको कमांड लिखनी है जार, दैट इज़ जावा आर्काइव। देन कुछ पैरामीटर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो सेट करनी है। जैसे कि मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे सी वी एम एफ। देन जो आपको फाइल का नाम रखना है, लेट अस से मैंने रखा ए डॉट जार। और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी, तो मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, ए डॉट क्लास। तो इस कमांड से आपकी जावा की आर्काइव फाइल बन जाएगी, जार फाइल सिंपली क्रिएट हो जाएगी। इतना सा आपको काम करना है। अब इसमें सी वी एम एफ के बारे में देख लेते हैं कि किसका क्या मतलब है। सी का मतलब होता है क्रिएट, एक नई जार फाइल क्रिएट करना। वी का मतलब होता है वर्बोस आउटपुट। ठीक है, देन एम का मतलब होता है इट इंक्लूड मैनिफेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइल। एंड एफ का मतलब होता है वी आर स्पेसिफाइंग द आर्काइव फाइल नेम। सो स्पेसिफाइज आर्काइव फाइल नेम। आप इसी को इस तरह से भी कर सकते हो, जार माइनस सी एफ एंड सेम आगे का। सो दिस इज द स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ जार फाइल। सो नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू मल्टी थ्रेडिंग। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या होते हैं और थ्रेड्स को क्रिएट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सो दोनों चीज़ देखेंगे हम कि थ्रेड्स क्या हैं और थ्रेड्स को क्रिएट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। सो थ्रेड्स के बारे में देखते हैं। थ्रेड्स आर लाइट वेटेड सब प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस का भी पार्ट होता है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। या हम कह सकते हैं थ्रेड्स आर द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, और मेन जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन है रिलेटेड कि थ्रेड्स को क्रिएट करने के कौन से दो तरीके हैं जो जावा ने दिए हुए हैं। सो बेसिकली थ्रेड्स को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और एक है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। और दोनों को आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन विथ प्रोग्राम। तो हम दोनों का प्रोग्राम देखेंगे, एक सिंपल सा किस तरह से हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं विद दिस टू मेथड्स। सबसे पहले बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास। तो क्या करना है, क्रिएट अ थ्रेड क्लास, लेट अस ए क्लास टी वन। अब आपको एक्सटेंड करनी है कौन सी क्लास, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है। सो एक्सटेंड्स थ्रेड। इसके बाद क्या करना होता है, हमें रन मेथड को ओवरराइड करना है। सो पब्लिक वॉइड रन और इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। लेट अस से मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे ए बी सी। ठीक है,
अब यही वो मेथड होता है जो ओवरराइड करना कंपलसरी होता है फॉर क्रिएटिंग अ थ्रेड. देन वी हैव दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड. क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास दैट इज टी वन. ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू न्यू टी वन. अब इससे आपको थ्रेड को रन करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट मेथड को कॉल करना होता है. सो ऑब्जेक्ट वन डॉट स्टार्ट. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग ए थ्रेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास. अब देखो इसमें है क्या, स्टार्ट मेथड है, ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स द थ्रेड. थ्रेड क्लास का मेथड है, हमने कॉल किया है इस क्लास से. अब इसके अंदर अगर डेफिनेशन नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो डेफिनेशन नहीं है स्टार्ट की, तो कहाँ ढूंढेगा वो थ्रेड में. अब स्टार्ट मेथड क्या करता है, थ्रेड को स्टार्ट कर देता है, रनेबल स्टेट में डाल देता है, वो प्रोसेस की वेट करता है, प्रोसेसर का वेट करता है. जैसे ही प्रोसेसर मिलता है, ये वाला जो मेथड है रन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. सो ये तरीका था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास. अब देखते हैं कि रनेबल इंटरफेस से किस तरह से हो सकता है. तो सेम हम यहीं पे इसी की तरह बनाएंगे. सो क्लास टी वन, अब यहाँ पे एक्सटेंड थ्रेड नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स रनेबल, क्योंकि इंटरफेस है तो लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स. दिस इज आर यू डबल एन ए बी एल ई रनेबल. अगेन रन मेथड, सो पब्लिक वॉइड रन, इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो. मैं प्रिंट करा देता हूँ एक्स वाई जेड अब यहाँ पे, ठीक है. देन वी हैव दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. अब हमें क्या करना है, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो पहले क्रिएट करेंगे. सो टी वन ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल्स टू न्यू टी वन. अब टी वन डॉट स्टार्ट को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थ्रेड क्लास अभी तक नहीं है. तो वट वी विल डू इज वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास. दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दिस टू. अब आपको यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इससे आपको कॉल करना है. सो टी डॉट स्टार्ट. और थ्रेड क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इसका पैरामीटर आपको देना है इसका ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज ऑब्जेक्ट वन. थ्रेड क्लास के अंदर पैरामीटर क्या दोगे, इसका ऑब्जेक्ट. देन वी कैन कॉल टी डॉट स्टार्ट. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दिस टू मेथड्स. सो जो डिफरेंस है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. ये एक लाइन है जिसका डिफरेंस आएगा. अब प्रिफर कौन सा करोगे, ये वाला प्रिफर करोगे, ये वाला प्रिफर करोगे, कई बार डिपेंड करता है जो प्रोग्रामर्स हैं. जनरली इसका कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस को यूज़ करना है, मतलब आपको थ्रेड भी बनाना है और किसी और क्लास को भी आपको एक्सटेंड करना है, तो आप रनेबल इंटरफेस का यूज़ कीजिए. क्योंकि आप जावा में दो क्लासेस को डायरेक्टली एक्सटेंड नहीं कर सकते, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.